तो हम जय राधा माता से शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवन चारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवन चारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा नील माधव जी की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, जय श्री श्री गौर निताय की, जय प्रहलाद नृसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानोसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्णा, एक बार फिर से सारे भक्तगणों का सादर प्रणाम करते हैं।
मेरे से बहुत वरिष्ठ भक्त इस मीटिंग में हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि मैं जो भी कहूँ गुरु महाराज के शिक्षाओं के अनुसार, श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं के अनुसार रहे और उनसे अलग ना जाए। तो आज का विषय हम फिर से वो श्रृंखला को आगे चला रहे हैं, महाजनों ये न गथा सपंथा, अर्थात फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज। तो इस श्रृंखला के शुरुआत में हमने देखा कि इसका क्या महत्व है, कि महाजनों के पदचिन्हों में चलने का क्या क्या से हमें क्या सीखने को मिलता है और ये हमें क्यों करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में जब खास करके हम लोग जो साधना भक्ति में लगे हैं, बिना किसी किसी के आदेशों का पालन किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे भौतिक क्षेत्र में भी देखते हैं कि किसी गुरु या टीचर के शिक्षाओं के अनुसार ही हमें शिक्षा मिलती है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में और भी जरूरी है। और श्री कृष्ण भगवान जब इस धरती पे अवतार लिए थे उन्होंने, तो उन्होंने खुद भी एक उदाहरण सेट करने के लिए उन्होंने भी गुरु का आश्रय लिया था। और ये यही हमें भगवान के शिक्षा से और उनके प्रसिद्ध भक्तों की शिक्षा से हमारे जीवन में भी यही उतारना है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए बिना गुरु के, बिना शुद्ध भक्तों के आदेशों के पालन किए, बिना उनके पथ पे चले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमने शुरू में देखा कि भागवत में तो पूरे महान भक्तों का ही वर्णन है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कृष्ण कथा दो तरह के होते हैं, एक तो भगवान कृष्ण के मुख से जो वाणी निकली है वो कृष्ण कथा है, जैसे भगवत गीता हुई, और दूसरी प्रकार की कृष्ण कथा है जो भगवान के बारे में, और भगवान के बारे का मतलब है कि भगवान के भक्तों के बारे में भी, क्योंकि भगवान और भक्त मतलब भगवान जहाँ है वहाँ भक्त हैं और जहाँ भक्त हैं वहाँ भगवान है। तो भगवान के भक्तों के बारे में हम उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, वो भी कृष्ण कथा ही है, और इससे हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है और इससे हम धीरे धीरे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं। तो इस विषय में हमने देखा शुरू में कि हालांकि भागवत में तो पूरे शुद्ध भक्ति हैं, लेकिन भागवत में ही छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में यमराज जी कहते हैं, 12 महाजनों का वो नाम लेते हैं जिसमें उनका नाम भी है। वो कहते हैं कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैया सकीम वयम। तो इस श्रृंखला में हमने चार भागों में देखा है अभी तक तीन भक्तों के बारे में, जो पहले तीन नंबर पे आते हैं वो हैं ब्रह्मा जी, नारद जी और शिव जी। तो इन तीनों महान भक्तों के बारे में हमने चर्चा की। तो आज के पांचवे पार्ट में हम देखेंगे इसके आगे जो भक्तों का नाम आता है, तो उसमें आता है सनत कुमार। तो सनत कुमार मतलब चार कुमार हुए जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो हम जानते हैं भागवत में कि भगवान ने महाविष्णु के रूप में उन्होंने विस्तार किया, और महाविष्णु और तीन पुरुष अवतार के रूप में सृष्टि का जो सृष्टि करता है वो तीन तीन प्रकार के विष्णु हैं, अर्थात जो महाविष्णु अर्थात कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये तीन पुरुष अवतार हैं भगवान के, जिनसे ये पूरी सृष्टि के पालन करता है वो। एक तो महाविष्णु के चरम के छिद्र में से पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, और फिर ईच ब्रह्म और ई और सारे एक एक ब्रह्मांड में वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं। और क्षीरोदक्षाय रूप विष्णु है जो परमात्मा स्वरूप हर अणु में रहते हैं, हर अणु में जाते हैं, अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्त में कहा गया ब्रह्म संहिता में। तो तीन विष्णु के द्वारा जो है पूरी सृष्टि का पालन होता है। तो ये हुआ प्राथमिक सृष्टि अर्थात प्राइमरी क्रिएशन, जिसे सर्ग कहा गया है भागवत में। और सबसे पहले जो जीव इस ब्रह्मांड में आते हैं वो ब्रह्मा जी। हम जानते हैं किस तरह से गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल नाभ से जब एक कमल विकसित होता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और फिर ब्रह्मा जी का कर्तव्य क्या है, इस सृष्टि को आगे बढ़ाना, अर्थात उसे विसर्ग कहते हैं, वो सेकेंडरी क्रिएशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो सेकेंडरी क्रिएशन का जो भाग है वो ब्रह्मा जी संभालते हैं, उनका उनका रोल है, उनका कर्तव्य है सृष्टि को आगे कराना। तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविकता में क्या चाहिए कि और जीव जंतुओं को
प्रजापतिस जिसे कहते हैं, प्रजापतियों का सृष्टि होती है और वो प्रजापतियों का कर्तव्य है कि सृष्टि को आगे बढ़ाएं, तो हर जगह जीवों को फैलाएं इस ब्रह्मांड में। तो इसी उद्देश्य से सबसे पहले जब विसर्ग होता है तो कुमारों की सृष्टि होती है, तो चार मानसिक पुत्र ब्रह्मा जी के मन से निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, और ये चार कुमार हैं जिन्हें साधारण तौर से कुमार चतुष्कुमार कहा गया है। तो इनका नाम है सनत कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये चार कुमार हुए। और ये चार कुमार जैसे ही इनकी सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप जाके अभी सृष्टि का विस्तार कीजिए, जैसे प्रजापतियों का काम होता है, जैसे मैंने कहा सृष्टि का विस्तार कीजिए। लेकिन इन चार कुमारों ने निश्चय कर लिया था कि वो शुरू से ही वैरागी थे, उन्हें इस भौतिक जगत की सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं था, उनको एकदम ही उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने सीधा साधा मतलब बहुत ही मतलब जैसे जैसे एक बच्चा पिताजी का मतलब आदेश तो सुन लेता है, लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुली जैसे कहते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें इस भौतिक जगत में कोई जाने की कोई इच्छा नहीं है, हम वैरागी हैं और हम इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्रह्मचारी नित्य ब्रह्मचारी बन के हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना है, हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। तो जब ऐसा कहा तो साधारण तरह से हम देखते हैं कि गुरु का आदेश, ब्रह्मा जी इस केस में ब्रह्मा जी उनके पिता भी थे और गुरु भी थे क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था, तो साधारण तरह से हम देखते हैं कि गुरु का आदेश हमें हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसा भागवत में ऐसा भी कहा गया है कि अगर गुरु कहे, अगर सुबह कहे कि रात है तो हमें मानना चाहिए रात है, और रात को कहे सुबह है तो हमें मान लेना चाहिए, उसमें प्रश्न नहीं करना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये चतुष्कुमार जो है उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में समझाते हैं, ये तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में आता है चतुष्कुमारों का कैसे वो सृष्टि में आते हैं। तो उसमें कहा कि श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरह समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर गुरु या पिता का आदेश का पालन नहीं करता है, लेकिन उसका उद्देश्य ये है कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के हेतु अगर वो आदेश का पालन ना करे, तो वो एक तरह से शास्त्रों में वो अलाउ किया जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य वो मूल कारण है कि क्या उद्देश्य है। अगर हमारे भौतिक प्रगति इंद्रिय तृप्ति के लिए हम पिताजी या गुरु का आदेश नहीं पालन करते हैं तो वो बहुत गलत है, तो शास्त्रों में उसका निषेध किया गया है। लेकिन अगर आध्यात्मिक क्षेत्र के में प्रगति करने के लिए, अगर भगवान के प्रति पूरी तरह से शरण लेने के लिए अगर हमारा गुरु का आदेश हमारे जीवन में आड़े आता है, तो ऐसे आदेश को ना पालन करने से उसको इसमें गलती नहीं है, उसमें शास्त्र में कहा गया है, और उसका उदाहरण ही है चतुष्कुमारों का। ऐसा ही उदाहरण हम बलि महाराज के जीवन में भी देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने शुक्राचार्य के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते थे, भगवान जो वामन रूप आए थे, तो वो भी शास्त्रों में इसका भी कहा गया कि बहुत अच्छा काम किया है बलि महाराज ने। तो ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। तो शिला प्रभुपाद उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक उसमें बताते हैं उस अध्याय में, जो कि 11वें स्कंद में आता है, मेरे ख्याल से 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है कि देवर्षि भूताप्ति प्रतिम निर्णिना। सो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से शत प्रतिशत भगवान का शरण लिया है उसने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शत प्रतिशत भगवान का शरण जो ले, ऐसा व्यक्ति फिर बाकी सभी बाध्यताओं से मुक्त हो जाता है। जैसे देवों के प्रति उनका उसके कुछ कर्तव्य है, हमारे पिताजी माताजी के प्रति जो कर्तव्य है, हमारे समाज के प्रति जो कर्तव्य है, कोई भी भौतिक जगत में जो भी हमारे कर्तव्य हैं उन सब से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शत प्रतिशत भगवान के प्रति शरण ले। तो मुझे याद है कि एक बहुत सुंदर क्लास हमारे गुरु महाराज ने लिया था, तो क्लास के अंत में एक भक्त ने, वो भी वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन में, तो उन्होंने एक सवाल पूछा महाराज जी से कि उन्होंने कहा कि ये श्लोक उन्होंने कोट करके पूछा कि महाराज जी भागवत में तो ऐसा कहा गया है कि जो शत प्रतिशत भगवान के, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ऐसा कहा कि जो भगवान ने शरण लिया जिसने, तो वो काफी मतलब भौतिक मुक्त कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, तो ये इसका क्या, ऐसे हम कैसे समझेंगे, तो ये सवाल किया था उन्होंने। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि सबसे पहली बात है कि आप अगर आपके वास्तविकता में शत प्रतिशत भगवान का शरण लिया है आपने,
तो ये सवाल ये कंडीशन है, ये मेन कंडीशन है। तो भागवत में ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसी के मन के तुक्के से निकला है। तो भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आया है कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो तब ही हम उन कर्तव्यों से मुक्त होते हैं। तो जब तक हम इस भगवान का जब हमने पूरी तरह शरण नहीं लिया है, तो हम इस साधना भक्ति में हम धीरे धीरे उस लेवल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से कभी ना कभी तो उस स्टेज में पहुंचे कि हम पूरी तरह से भगवान का शरण लें। तो जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम इस भौतिक कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें हमारे सामाजिक कर्तव्यों का पालन भी करना है और साथ साथ भक्ति भक्ति भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम एक को रोक करके दूसरी तरह से, तो मतलब इसका बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है, ये वास्तव ये स्वाभाविक नहीं होता है, अस्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत परिपक्वता के साथ भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है और साथ साथ हमारे कर्तव्यों का, खासतौर से माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा और जो भी अलग कर्तव्य हैं हमारे क्षेत्र में, जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, उसको बिना नेग्लेक्ट किए हुए। हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि नेवर डोंट नेग्लेक्ट योर ड्यूटीज, कभी भी हमारे कर्तव्यों का मतलब कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, हमेशा उसका अच्छी तरह से निभाना चाहिए हमारे कर्तव्यों को। यही एक भक्ति की परिभाषा है। भक्ति की परिभाषा यही है कि वो किस तरह से इस जगत में रहता है और रहकर उदाहरण स्वरूप सबको दिखाता है कि किस तरह से हमारे कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए और साथ साथ भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ता है। एक्चुअली जो भक्ति मार्ग में स्थिर होता है उसी से पॉसिबल है कि वो वही कर सकता है, वो सामाजिक कर्तव्यों का ठीक ठाक से पालन कर सकता है, क्योंकि उसे उसका दिव्य ज्ञान है कि ये वो क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। हमेशा जानता है कि वो भगवान की सेवा में सब कुछ कर रहा है। तो ऐसा जो भक्त है उसके लिए सामाजिक और भौतिक या आध्यात्मिक चीज अलग अलग नहीं है। हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि आध्यात्मिक जो चिंता है और चेतना है वही सबका फाउंडेशन है, वही आधार है। तो हमारे भौतिक कर्तव्यों का आधार भी आध्यात्मिक चेतना ही है और नेचुरली भक्ति मार्ग में तो आध्यात्मिक चेतना चाहिए। सो अगर हमारा फाउंडेशन आधार आध्यात्मिक है तो सब कुछ स्पिरिचुअलाइज या आध्यात्मिक हो जाता है। तो यही बहुत प्रैक्टिकल चीज शिल प्रभुपाद हमें समझाते हैं और ये हमें देखने को मिलता है ये चतुष कुमार के जीवन से भी, कि भले ही उन्होंने ब्रह्मा जी का आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन उन्हें कभी भी भागवत गलत नहीं कहता है इस बात को, लेकिन क्योंकि उनका उद्देश्य उच्च उद्देश्य था, कि परम उद्देश्य था कि वो किस तरह से ज्ञान प्राप्ति, भगवान भगवत ज्ञान की प्राप्ति करें। और देखेंगे हम बाद में कि किस तरह से वो शुद्ध भक्त बने, वो भी बहुत सुंदर वर्णन आता है भागवत में। तो ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी को ये सुन के अच्छा नहीं लगा और उस भागवत में श्लोकों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जो हैं ये भगवान के रजोगुण के अवतार हैं। और हम जानते हैं भागवत गीता में कि तीसरे अध्याय में देखते हैं कि रजोगुण जब आता है तो वहां पे गुस्सा उसका एक आउटपुट होता है, आउटकम होता है, रजोगुण से उत्पन्न होता है क्रोध। तो इसी तरह से और जब क्रोध आता है तो फिर जो मनुष्य है जो वो तमोगुण में चला जाता है, लेकिन इसका जो स्रोत है वो रजोगुण है। तो ब्रह्मा जी भी रजोगुण के जो अधिपति हैं, उनको गुस्सा आ गया, लेकिन वो किस तरह से उन्होंने नियंत्रित किया अपने गुस्से को, और गुस्से को नियंत्रित करते हुए उनके भुवों में से रुद्र अर्थात शिव जी का अवतार हुआ। और इसीलिए शिव जी का नाम रुद्र भी है, क्योंकि वो जैसे उनका जैसे वो बच्चा बाहर आया तो रोने लगा था, तो इसलिए उनका नाम रुद्र है, भगवान शिव जी का नाम रुद्र भी है। इनके इसके बारे में हमने चर्चा की पिछले सत्र में, तो इसके बारे में आगे नहीं कहेंगे। तो इस तरह से चतुष कुमार उन्होंने उनका आदेश पालन नहीं किया, लेकिन वो अपने अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे। तो ब्रह्मा जी ने भी उनको एक श्राप दिया कि आप कभी भी इससे इस उम्र से आगे नहीं बढ़ेंगे, हमेशा वो 5 वर्ष की उम्र में रहेंगे। तो ये वास्तविकता में श्राप नहीं था, ये उनके लिए एक वरदान ही था, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा कि बच्चों का हृदय निर्बल होता है, उनमें कुछ मल नहीं होता है, तो हमेशा वो इनोसेंट रहते हैं, निर्मल हृदय संभाल के रहते हैं। तो इससे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारे दिल में हृदय में और कुछ नहीं है, तो हम पूरी तरह से भगवान की चिंता में लगे रह सकते हैं। तो चतुष कुमारों ने इस श्राप को भी वरदान स्वरूप स्वीकार किया और वो अपनी ब्रह्मचर्य जीवन में आगे बढ़े। तो फिर तीसरे स्कंद में आता है वर्णन, जब मैत्रेय विदुर संवाद में भी आता है कि किस तरह से चतुष कुमारों ने
वो शुरू में तो जतीश कुमार जो है ये शुरू में शुद्ध भक्त नहीं थे, वो ज्यादातर ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। वैरागी तो थे ही, तो उसमें इनको ज्ञान ज्ञान योग में ज्यादा उनको तृप्ति थी। तो क्या हुआ कि जब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते चले, लेकिन उनको भगवान के बारे में सुनने का मौका मिला भगवान संकर्षण से, और किसी ने भगवान संकर्षण से एक बार भेंट हुई उनकी, और संकर्षण भगवान से उन्होंने काफी प्रश्न पूछे। तो क्योंकि वो ज्ञान मार्ग में थे तो नेचुरली उनके अंदर उत्सुकता थी जानने के लिए, तो उन्होंने काफी प्रश्न पूछे। तो इसके उत्तर में संकर्षण भगवान ने श्रीमद् भागवतम का कथा किया, कथा उनके सामने प्रस्तुत किया, और जैसे ही भागवत कथा सुनी उन्होंने तो वो शुद्ध भक्त बन गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद हमेशा देते हैं कि भागवत कथा, भागवत में भले ही बहुत ही श्री कृष्ण भगवान के अलग अलग लीलाओं का वर्णन है, और खास तौर से हमारे अवस्था में जो हम आध्यात्मिक प्रगति में परिपक्व नहीं है, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, तो हम भगवान की लीलाओं के बारे में हम ठीक तरह से अगर हम हमारे दिमाग से सोचेंगे तो इसका गलत परिणाम ही निकलता है। तो ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि सनत कुमार चतुष कुमार जैसे जो जो चेतना से एकदम शुद्ध थे, एकदम ब्रह्मचारी इसका ब्रह्मचारी का फॉलो कर रहे थे, जो ब्रह्मचारी जो व्रत है उसका पालन कर रहे थे, बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहे थे, अगर ऐसे लोगों को अगर भगवान की लीलाओं के बारे में रुचि हो, तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान की लीलाएं आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल है, इसमें कोई मल नहीं है। जो जो भौतिक जगत में जो मल है उसका एक भी मल, उसका कभी भी मल भगवान की लीलाओं में नहीं है। तो ये एक इसका प्रूफ है कि अगर चतुष कुमार या सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी सुनते हैं कि वो भी शुरू शुरू में ज्ञान योगी थे, और किस तरह से भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए वो शुद्ध भक्त बने, तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, इसमें कोई मल नहीं है, और भौतिकता और इसमें भौतिक गुणों से एकदम परे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्त भी, ऐसे शुद्ध लोग भी, चेतना वाले लोग जो भगवान की लीलाओं के बारे में बहुत उत्सुकता सुनते हैं, तो इतना इतना उच्च कोटि का वो उच्च कोटि की लीलाएं हैं, उच्च कोटि के विषय हैं, तो हमें भी उसी उत्सुकता से भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए कि ताकि हमारे हृदय में भी, हृदय से भी मल निकल जाए। तो ये हमें बहुत खास बात चतुष कुमारों के जीवन से सीखने को मिलता है कि किस तरह से वो ज्ञान मार्ग का उन्होंने त्याग कर दिया और भक्ति मार्ग में आए वो केवल भगवान की लीलाओं का श्रवण करके। ऑफकोर्स वो संकर्षण भगवान से उन्होंने सुना, तो ये भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रोता भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे आप सुन रहे हैं। तो शुद्ध भक्तों के मुख से ही, वाणी से ही हमें भगवान भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। तो जब चतुष कुमार ने श्रीमद् भागवतम कथा सुनी तो उनका हृदय पूरा परिवर्तन हो गया और वो शुद्ध भक्त बन गए। और इसके आगे कहा गया है कि चतुष कुमारों ने फिर यही कथा का वर्णन, श्रीमद् भागवत का वर्णन वैशंपायन ऋषि के सामने किया, जब वैशंपायन ऋषि ने भी उनसे ऐसे सवाल पूछे जो उन्होंने संकर्षण भगवान से पूछे थे, और वैशंपायन मुनि ने पराशर मुनि को इस कथा का वर्णन किया, और पराशर मुनि ने फिर मैत्रेय मुनि को भागवत का प्रसंग सुनाया। तो इस तरह से हम परंपरा देखते हैं किस तरह से मैत्रेय मुनि इस परंपरा से जुड़े हुए हैं चतुष कुमारों से, और श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि चतुष कुमारों को भी एक वैष्णव संप्रदाय है जो कुमार संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है, और आगे चलकर यह निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसमें निम्बार्क आचार्य आए। तो उन्होंने अपनी खुद की परंपरा जो कि ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे थे पहले, तो उन्होंने वो छोड़कर उसका त्याग करके भक्ति मार्ग में आए और उन्होंने खुद अपनी एक संप्रदाय का की सृष्टि की। तो ये है भक्ति, इससे पता चलता है कि भक्ति मार्ग सबसे उच्चतम है। और श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, योगिनाम अपि सर्वेशां मद्गते नान्तरात्मनां श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमाम मत है। तो भक्ति मार्ग में जो लगा हुआ है वो सबसे उच्च कोटि का योगी है। तो ये हम चतुष कुमार के जीवन से देखने को मिलता है किस तरह से उन्होंने ज्ञान मार्ग का त्याग करके भक्ति मार्ग को अपनाया। और आगे वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंध के 15वें अध्याय में, जब ये दिति के गर्भ के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से पूरे ब्रह्मांड में जो है आतंक मच गया था जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था। उसके बाद जब सारे देवगण ब्रह्मा जी के पास गए थे उसे पूछने के लिए ऐसा क्या हो रहा है, तो उस अध्याय में विवरण आता है कि ब्रह्मा जी उस समय देवताओं को चतुष कुमार के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो
भागवत कथा सुनने के बाद जब उनकी भगवत भक्ति भगवत प्रेम एकदम से बढ़ गया तो उन्हें उत्सुकता हुई कि भगवान का दर्शन करें। और चतुष कुमार जो कि इतने शुद्ध भक्त शुद्ध लोग शुद्ध हृदय वाले थे तो वो कहीं भी जा सकते थे, नारद जी जैसे, नारद जी को भी कोई रोक नहीं है, कोई पासपोर्ट या वीसा की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही चतुष कुमारों को भी आज़ादी थी पूरी की वो हर जगह ब्रह्मांड में जहाँ भी जाना चाहते हैं वो अपनी स्वेच्छा से जा सकते थे। तो एक बार वो वैकुंठ के बारे में जब भागवत में सुना तो उन्होंने बहुत आकर्षित हुए और उन्हें तो वो अपनी यात्रा में जा रहे थे तो वैकुंठ पहुंचे और वैकुंठ में पहुंचकर जब भगवान के कमल पदों में जो तुलसी पत्तों को छवर किया जाता है तो उसकी जब सुगंध आया तो उनको बहुत ही आकर्षित हुए वो, तो वो भाग भाग कर वो वैकुंठ के द्वार की तरफ गए। तो ऐसा वर्णन आता है कि जो वैकुंठ में जो है 7 द्वार होते हैं और अंदर के द्वार में आंतरिक द्वार में भगवान जी का नारायण रूप में वो उनका निवास है। तो 6 द्वार तो बहुत आसानी से वो पार कर गए लेकिन जब 7वें द्वार में पहुंचे जो अंतिम द्वार था तो वहां पर उन्होंने देखा कि 2 बहुत ही सुंदर रूप वाले 2 समान रूप वाले 2 द्वारपालक थे और ये जय और विजय थे। और जय विजय द्वार उनकी उनका कर्तव्य था कि वो वहां पे द्वारपालक हैं तो स्वाभाविक है वो देखें कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है। तो द्वारपालकों ने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने छोटे बच्चों को देखा तो उन्हें उनको पता नहीं था कि ये कौन है, उन्हें पता नहीं था कि ये बहुत महाभक्त हैं भले ही वो छोटे बच्चों के रूप में हैं, लेकिन उन्हें गलत फहमी हो कि ये ऐसी घूम घाम के आ गए गलती से तो उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं है। और चतुष कुमारों को भी लगा कि ये क्या है, हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, कौन यहाँ पे 2 लोग खड़े हो गए हैं जिनके हृदय में भौतिक गुण आ गए हैं, ये भौतिक गुणों से परे नहीं है, भले ही ये वैकुंठ के द्वार में खड़े हैं लेकिन यहाँ खड़े रहने लायक नहीं है। तो उन्होंने गुस्से में आके शाप दे दिया कि आप यहाँ पे रहने लायक नहीं है, आप भौतिक जगत में जाइए, कि वहीं पे है भौतिक गुणों से जो जूझे रहते हैं वो मृत्युलोक में जाते हैं, आप यहाँ रहने लायक नहीं है। और इसी समय भगवान वहां पे आए दर्शन देने के लिए दोनों को, द्वारपालकों को जय विजय को और साथ साथ चतुष कुमारों को भी। और ये बहुत ही सुंदर लीला है जो तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय में आता है, बहुत बहुत ही सुंदर लीला है ये, और जिसमें ये पता चलता है कि किस तरह से भगवान अपनी योजना को पूर्ण करते हैं अपने भक्तों के द्वारा। तो भगवान ने कहा कि नारायण विष्णु ने कहा कि ये मेरी योजना है कि ऐसा कुछ सब कुछ हुआ है क्योंकि मुझे भौतिक जगत में जाना अवतरण लेना है और इसके लिए मुझे अपने भक्तों की सहायता चाहिए, जब भक्तों के साथ वीर रस का अनुभव करना है तो भक्ति इस सेवा में भगवान के साथ वीर रस का अनुभव दे सकता है। तो वो चाहते थे कि जय विजय नीचे जाएं मतलब मृत्युलोक में जाएं और एक महान असुर के रूप में आए और भगवान को वीर रस का अनुभव दें, ये भी एक बहुत ही भगवान के साथ ये भी भगवान की सेवा है कि भगवान को वीर रस का अनुभव देना अलग अलग रसों में। भगवान जो है जो रसेश्वर हैं सारे रसों के वो ईश्वर हैं, तो जब भी उनको लगता है कि किसी रस का अनुभव करें तो वो भक्तों से विनती करते हैं और भक्तों के सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो इसकी योजना में ही ये सब कुछ हुआ, ये सब लीला रची। और जब चतुष कुमारों को पता चला तो वो उन्हें लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमारे थोड़ी देर के गुस्से में आ गए और उन्होंने श्राप दे दिया। तो ये श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि जब गुस्सा आता है तो हमें हमेशा अपनी जबान को बंद करना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं हमेशा कि जब गुस्सा आता है सबसे पहले सील योर लिप्स अर्थात अपनी जबान को बंद रखें, अगर कुछ क्योंकि उस समय हम कुछ भी बोलेंगे तो उसका विपरीत ही होता है उसका परिणाम हमेशा, ये हमें जानते हैं, हमारे जीवन में हमें अनुभव है बहुत इसके बारे में। तो ये हमेशा किसी न किसी तरह से हमें इसका पालन करना चाहिए क्योंकि गुस्सा जो है हम भौतिक जगत में तमोगुण और रजोगुण से बंधे हुए हैं तो नेचुरल है कि हम बात बात पे गुस्सा आ जाए और ऊपर से कलयुग का एटमॉस्फेयर भी ऐसा है कि बात बात में लोग गुस्सा करते हैं। तो इन सब लीलाओं से हमें ये सीखना मिलता है कि कैसे हम हमारे साधारण जीवन में इसका लाभ ले सकें इस शिक्षाओं का। तो चतुष कुमार कहते हैं कि हमने गलती से ही बहुत ही महान व्यक्तियों को श्राप दे दिया है, तो भगवान कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी गलती नहीं है, ये जैसे मैंने कहा कि मेरी योजना है तो इसकी योजना के अनुसार इनको नीचे जाना है। और उन्होंने एक ऑप्शन दिया था जय विजय को कि आपको या तो 3 जन्म असुर कुल में जन्म लेना है या फिर 7 जन्म भक्त बन के जन्म लेना है, क्या आपको चाहिए। तो
वो तो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वैकुंठ वापस आ जाएं, तो उन्होंने ये ऑप्शन लिया कि 3 जन्म असुर कुल में लेके भगवान को वीर रस का अनुभव दें और वापस आ जाएं। तो इस तरह से वो योजना पूर्ण हुई, और इस तरह से हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आए और उन्होंने उत्पात मचाया एक जन्म में, दूसरे जन्म में रावण और रावण के रूप में आए, उसके बाद फिर शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए थे। तो इस तरह से 3 जन्म लिए उन्होंने, और हर जन्म में उन्होंने भगवान को वीर रस का अनुभव दिया और भगवान भी संतुष्ट थे इस सेवा से। तो इसमें चतुष्कुमारों को भी योगदान है, अगर वो नहीं होते तो ये सब पूर्ण नहीं होता। और इस तरह से हम देखते हैं कि चतुष्कुमार फिर अपनी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहे। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने संप्रदाय शुरू किया था, कुमार संप्रदाय। तो हम देखते हैं कि जहाँ भी भक्तों का वास होता है, शुद्ध भक्त हमेशा वहाँ आते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों को पता है कि जहाँ भगवत कथा हो रही है वहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं। नारद जी को कहते हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मत भक्ता। तो ऐसे ही शुद्ध भक्त भी वैसे हैं, जहाँ पे भगवत कथा या भागवत महाभागवतों का संग हो वो हमेशा वो उस संग में जाते हैं। तो इसी तरह से वो पृथु महाराज से भी मिलने आए थे, जब पृथु महाराज जब हम जानते हैं पृथु महाराज का जो वर्णन आता है 34 स्कंद में, उन्होंने जब सारे 99 अश्वमेध यज्ञों के बाद हम जानते हैं कि वो इंद्र के साथ क्या प्रश्न मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उसके बाद वो हम जानते हैं कि अंतिम अंतिम जब उनके जीवन के अंतिम क्षण में वो किस तरह से वो पूरी तरह से भगवत भक्ति में लीन थे, तो उसके पहले उनकी मुलाकात हुई थी चतुष्कुमारों से जब वो वानप्रस्थ जाने के पहले। तो इस तरह से वो पृथु महाराज की भक्ति से बहुत आकर्षित हुए और वो उन्होंने आके उनका संग लिया और काफी आदेश भी दिए पृथु महाराज को। तो ये ऐसे देखते हैं कि ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं हमेशा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं भक्तों का संग लेने के लिए। तो इससे भी हमें सीखने को मिलता है कि जब हमें हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो भक्त भगवत कथा जहाँ होती है हमें इतना लोभ होना चाहिए, इस मामले में इतना लोभ होना चाहिए कि हम जहाँ भी कथा हो चल रही हो जो कि बोनाफाइड कथा हो तो उसमें भाग भाग के हमें सब कुछ काम छोड़ के उसके पीछे भागना चाहिए। तो इस तरह से देखते हैं कि ये सब शुद्ध भक्तों के गुण हैं, वो भी अपने जीवन में यही करते हैं और हमें भी यही करना चाहिए हमारे जीवन में जहाँ भी मौका मिले। जैसे ये संग हो रहा है जो इतने सारे भक्त हैं, हमारे वरिष्ठ भक्त गुरु महाराज के वरिष्ठ शिष्य हैं जो इतनी सुंदर सुंदर कथाएं कहते हैं, तो हमें ये घर में बैठे बैठे इसका लाभ उठाना चाहिए। भले ही हम राजकोट या फिजिकली कहीं जा ना सके, लेकिन इतना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन भगवान की कृपा से हो रहा है कि रोज कथाओं को सुनने को मिलता है और हमारा सौभाग्य है कि हम भगवत भक्तों का संग ले सकते हैं। तो आज हम यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि आगे चतुष्कुमारों के बाद हम कपिल भगवान के बारे में सुनेंगे अगले सत्र में। आज तो हो नहीं पाएगा, उनके बारे में भी काफी कुछ भागवत में वर्णन आता है, तो उसके उनके बारे में अगले सत्र में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो भाविक प्रभु मैं यहाँ पर रुकता हूँ, अगर किसी को कोई टिप्पणियां देनी है या फिर कुछ कमेंट्स या कुछ प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, किसी को कुछ प्रश्न या कुछ भाविक प्रभु मेरे ख्याल से किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो यस प्रभु जी, सो नाउ वी आर एंडिंग अवर क्लास। तो आज की हमारी जूम सभा में
पूर्णावती किताब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट से प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं प्रकाश प्रभु जी का हार्दिक खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना सुंदर लेक्चर दिया। स्वयं प्रकाश प्रभु जी से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।